हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आज के इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। बोलिए, क्या बोले? कुछ तो बोलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज बैठ करके बहुत सारी बातें हो गई हैं क्योंकि आज संडे है, तो संडे के दिन अभी चल रहा है बाजू में स्टूडियो का काम, जो कि अभी हम आपको बताएंगे क्या है प्रोग्रेस, और जल्दी आपको एक अच्छा सरप्राइज़ मिलने वाला है और फिर आपको पता चलेगा कि देखो क्या क्या चीज़ें जो है वो नई नई हो रही हैं। और आपको व्लॉग्स भी कंटिन्यू मिलेंगे, तो आप बकायदा जो है वो चैनल के ऊपर बने रहना और थोड़ा सा ज़्यादा जो है शेयर कर लेना, ताकि हम एक दूसरे के साथ में अच्छे से कनेक्ट रहें और थोड़ा ग्रोथ भी होती रहे तो अच्छा लगता है। चलिए, तो आपको दिखाते हैं हमारा स्टूडियो का काम कहाँ तक पहुँचा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो अभी फ़िलहाल है हम लोग स्टूडियो में, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि उसमें काम हो रहा है। और पीछे देख सकते हो कि अभी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है जो कि मेरे ऑफिशियल चैनल एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के ऊपर मैं डालूंगा। और अभी जो है आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ क्या क्या स्थितियाँ हैं, और खुशबू मैडम के साथ में जिसको कहना चाहिए कि इस पर काम चल रहा है, ऊपर लाइट लगी हुई है, देख सकते हो। यहाँ पर मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ और एक नई प्रोग्रेस और बताता हूँ जो कि अभी अभी हुई है, और ये है पीछे, ये मैंने कंप्लीट करवाया है अभी के अभी, यानी कि फैब्रिकेशन काम है थोड़ा सा। ये कंप्लीट होने के बाद में ऊपर जो है, जो टीन दिख रहे हैं, यहाँ पर लग जाएगा पीओपी, तो पीओपी का काम होना बाकी है और वो संभालेंगे। तो मैं यहाँ पर रहूँगा नहीं, तो फिर संभालना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। तो ये मतलब जिसको कहना चाहिए किसके सुपरविज़न में काम होगा, खुशबू मैडम को जो है वो सुपरविज़न में काम होगा। और ये देख लो, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, आप लोगों के साथ में साझा कर रहे हैं हर चीज़ को। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी मैं पत्ते नहीं खोल रहा हूँ कि क्यों मैं डिसकंटिन्यू हो गया। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं डिसकंटिन्यू सिर्फ इस वजह से हो गया हूँ क्योंकि मुझे करना नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस आ चुकी थी उस वक्त कि मतलब क्या ही कहना। मैं अभी भी नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको साथ में मिल करके, खुशबू के साथ सही समय पे आपके साथ में साझा करेंगे। और ये ग्रोथ है उस चीज़ की जो मैंने थोड़ा समर्पण दिखाया अपने इंस्टीट्यूट में, और थोड़ा सा जो भी बुरा समय था वो निकल गया, और अभी भी पूरा नहीं निकला है लेकिन फिर भी ठीक है, इट इज़ ओके। धीरे धीरे ग्रोथ तो कर रहे हैं और ये ग्रोथ आपके साथ में भी साझा कर रहे हैं। तो यार थोड़ा सा ब्लॉग को पूरा देखा करो, लाइक करा करो, कमेंट तो करा करो, कमेंट कोई नहीं करता। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कहाँ जो है वो इंस्टीट्यूट से ब्लॉग चालू हुए थे और कहाँ रेसिपी पे ब्लॉग आ गए थे। ठीक है, सब दिखाएंगे सब, ये तो लाइफ है ना, सिंपल सी बात है। क्यों, लाइफ है कि नहीं? हाँ लाइफ, तो ये लाइफ है और इसमें सबके घरों में ऐसा ही होता है कहीं ना कहीं। और हम लोग बाई नेचर ऐसे हैं कि गिव अप नहीं करना पसंद करते, जो भी है करो, डेडिकेशन दिखाओ 100%, चाहे आप कहीं पे भी रह रहे हो, छोटा शहर है ना, इट इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं, संसाधन की कमी है कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को लड़ने की ताकत पैदा करो और अपनी कंडीशन को बदलो। तो बस उसी के सहारे अभी तक यहाँ पर आए हैं। क्यों मैडम? तो मैं मतलब मुझे ब्लॉग स्टार्ट करने में भी जितना मोटिवेट करना था वो इन्होंने किया है, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी करने की, लेकिन इन्होंने बोला जैसा भी करो लेकिन करो, करो शुरू, तो इसलिए शुरू किया। कुछ भी जाएगा, अपना कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है और वाकई में बड़ा है मेरा कॉन्फिडेंस। मतलब पहले मैं कैमरा फेस नहीं करवाती थी, अब कैमरा फेस कर रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कोई ये नहीं कर पाता, वो कितनी एक्सक्यूज़ देता रहता है। और मैं हमेशा जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, कोशिश करता रहता हूँ कि लाइफ चेंज करो अपने काम से। तो खुशबू जो है वो ब्लॉगिंग कर पा रही है, वो उसके लिए सबसे बड़ी बात है, मेरे लिए भी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं काम करना। बहुत सारे कम लोग होते हैं जो बोल देते हैं हमसे तो ये होगा नहीं, हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है, हमारे पास तो ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप समझ सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ आपके मेंटल स्टेट से आती है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको पीछे भी खींचते हैं कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, लेकिन अपने आप पे विश्वास रखो और ये करते चलो काम, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। ये चाहे एक छोटी सी चीज़ लगी है लेकिन ये ग्रोथ है,
इसको कहते हैं लाइफ में ग्रोथ। एक छोटा सा आपने यदि खिल्ली भी अपने घर में लगाया है ना अपने अपने मेहनत की कमाई से, उसको ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि आपके घर के सामने 1 करोड़ की गाड़ी खड़ी है। आपकी ग्रोथ है कि आपने अपने घर की एक दीवार भी अतिरिक्त एक्स्ट्रा खड़ी करवा दी यदि आपकी सुविधा के लिए, आपके परिवार की सुविधा के लिए, तो वही ग्रोथ है। मेरा तो ऐसा ही पर्सनल मानना है और ब्लॉगिंग भी इसीलिए मैंने शुरू करा था। खुशबू के साथ मैंने यही चीज़ डिस्कस करी थी। ब्लॉगिंग इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम मूड हो रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, हम वो खा रहे हैं। ब्लॉगिंग है इंस्पायर हो सको आप भी, और हम आपको दिखा सकें कि मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, और वो भी बाकायदा लाइव डेमो के साथ। आजकल डेमो बहुत चलता है। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत दिनों बाद बातचीत करी। कैसा लगा कमेंट जरूर करा करो अभी सभी के सभी, और आप रेगुलर ब्लॉग रहेंगे कंटिन्यू, ठीक है। और बहुत जल्दी ये हमारा प्रोफेशनल यूट्यूब स्टूडियो बनने वाला है, तो जब ही कंप्लीट होगा तब हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाएंगे, और अभी POP होगा तब भी आपको प्रोग्रेस दिखाएंगे। अभी सारी चीज़ें आपके साथ में साझा करेंगे, है ना, बस बने रहो। तो ऐसे ही हमारे लिए बेस्ट विशेस देते रहिए कि हम दोनों मिलके खूब तरक्की करें और सबका नाम रोशन करें। आपके साथ तरक्की करें, आप सभी के साथ, आपकी वजह से, आपकी वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे। ये मोटिवेशन है, आज ये कैमरा है और कैमरे के पीछे आप हो और कैमरे के इस तरफ हम हैं, लेकिन ये जो जुड़ाव है ये सबसे शानदार है। और आप लोगों के साथ में हम तरक्की करना चाहते हैं। मैं भी तरक्की करूँगा, आप भी तरक्की करो, मेहनत करो दिल से, हम मिल करके तरक्की करेंगे। तो बने रहना है ब्लॉग में, ठीक है। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज के इस नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो बहुत दिनों बाद आपको श्रीजा दिख रही होगी स्कूल जाते हुए, है ना श्रीजू? स्कूल जा रहा ना, तो श्रीजा रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए। तो चलते हैं श्रीजा को स्कूल लेकर, है ना। हाई तो कर दो सबको, सबको हाई करो, हाय। चलो खड़े हो, ये इधर शिवी भी बैठी है दादी के साथ। शिवी हाय करो, शिवी भी नहा के तैयार हो गई है। हाँ चलो शिजू, और दादी को जय श्री कृष्ण कर दो, जीजी को बाय कर दो, आते हैं। हाँ निकलो। तो शिजू आज जा रही है बहुत दिनों बाद स्कूल। इधर ये वाली गाड़ी, ये वाली गाड़ी, वो वाली गाड़ी, अपनी अपनी वाली, वो वाली गाड़ी है। हाँ ये वाली, धीरे से धीरे से। तो ये श्रीजा खड़ी हो गई है भैया गाड़ी पे, ये चलें चलें। तो अब मैं जा रही हूँ श्रीजा को लेने के लिए, घर के काम सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और अब लेके आती हूँ श्रीजा को, फिर आपसे मिलवाती हूँ श्रीजा को। और इधर शिवी भी खड़ी हुई है, शिवी टीवी देख रही है। हाय, हाँ शिजू आ गई। शिजू कैसा रहा स्कूल? शिजू मस्ती करी? पीछे से निकाल, पीछे से निकाल, पीछे से, पीछे से, पीछे से, पीछे से, यहाँ से निकाल, ये ऐसे फेंकते थोड़ी है। अरे यहाँ से, तू तोड़ी डालेगी उसको। वाह 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 वाह, उसको उठा के रखो, चप्पल उठा के वहाँ रख कोने में, जा खड़ी हो वहाँ रखो, कोने में, कोने में रखो, हाँ रख दो, वेरी गुड। ये हमारी श्रीजा को देखो, यहाँ है छिपकली और श्रीजा को भगाना है छिपकली को। तो देखो कैसे चढ़ रही है, क्या हो गया, भगाओ ना, भगा उसको, आजा नहीं, हट हट बोलो, हट हट हट, ऐसे बोलो हट। और ये भी इधर खड़े हो गई हैं, ये दोनों बहनें मिलके भगा रही है छिपकली को, मिलके भगा लो दोनों जन।
शिवी गिर जाएगी, शिवी गिरेगी बेटा। तो आज के इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर तो सभी करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय करो शिवी, बाय करो ना शिवी, बाय 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 बाय।